Thank you.
एक का चिता
आज सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला पर विष्ट हूँ। विष्णुपाद स्थित श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में कोटि कोटि धन ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि धन ज्ञापन हो। उसके उपरांत समस्त ब्रह्मचारीगण वैष्णव वैष्णवी के चरणों में मेरा कोटि कोटि धन प्रणाम स्वीकार हो। आज हम लोग थोड़ा सा भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को श्रवण करेंगे महाराज जी के मुखारविंद से। उससे पहले हम लोग यहाँ उपस्थित हैं संध्या आरती में। हम लोग अपने अंदर सब सुधार की इच्छा से यहाँ उपस्थित हुए, जिससे कि हमारे अंदर समस्त अवगुण बाहर निकलें और समस्त अच्छे गुण हमारे अंदर विद्यमान हों। इसलिए गुरुदेव महाराज सुंदर सुंदर कथाओं के माध्यम से सुंदर सुंदर भक्ति के सिद्धांत भी आप सबको हम सबको श्रवण कराते हैं। देखिए भक्ति का मतलब क्या है। भक्ति बिना तो न चित संसार न जड़ संसार रह सकता है। भक्ति प्रेम को कहा जाता है, सर्वोत्कृष्ट भक्ति प्रेम को ही कहा जा सकता है। और जितने भी संसार की वस्तुएं हैं, संसार के जितने भी चलचित्र हों, चाहे बड़ी बड़ी नेता हों, बड़ी बड़ी गतिविधियां हों, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का चित्त आकर्षित करते हैं और हमारा अभिमान बढ़ाते हैं, अहंकार बढ़ाते हैं। और उस अहंकार के वशीभूत होकर के
तीन जो गुण हैं यहाँ, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनकी जो है प्रबल प्रकट के कारण हम लोग उस अहंकार को और ज़्यादा बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसमें घी डाल करके हमारी इच्छाओं को जो है हम प्राप्त करना चाहते हैं, बड़े बड़े उसमें चाहे झूठ बोलकर चाहे सच बोल करके किसी भी वस्तु को प्राप्त करते हैं। संसार की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए भी वेदों के अंतर्गत कर्मों का विधान है, लेकिन ये कलयुग है, ये विडंबना है, जो हम अपने कर्मों को भी नहीं कर सकते सही प्रकार से। जब संसार के कर्मों को करने के लिए भी वेदों का विधान हो, और भक्ति तो उत्कृष्ट वस्तु है, क्योंकि भक्ति इस संसार की है ही नहीं वस्तु, वास्तविकता तो ये है, लेकिन हरि गुरु और वैष्णव की कृपा से ये भक्ति इस संसार में भी विद्यमान हो जाती है। ये इनकी करुणा ही नहीं तो और क्या है। उसमें भी यदि हम लोग झूठा अहंकार लेकर के अपने आप को दिखावा करें कि हम बहुत बड़े साधु हो गए, कितने बड़े बड़े श्लोक याद हो गए, लेकिन सरलता नहीं आई तो सब बेकार। हमारे महाराज श्री को मैं देख रहा हूं कई वर्षों से, एक से बढ़कर एक सारे शास्त्रों के श्लोक याद है, लेकिन कभी भी पांडित्य मैंने इनका देखा नहीं। हमेशा सरलता की भाषा में ही कथा को सबको समझाने का प्रयास किया, और इसी वजह से सबसे ज्यादा शिष्य इनके। तो ये सरलता जो गुरुदेव महाराज जी के हृदय में विद्यमान है, गुरुदेव से भी प्रार्थना, भगवान से भी प्रार्थना, यही सरलता हमारे हृदय में विद्यमान हो। बोलो श्री गुरुदेव की जय। तो हम जो भक्ति के पथ पर हैं, उसमें देखना ये है, संसार की वस्तुओं को एकदम से छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे जो गुण और हमारा जो स्वभाव है, एक जन्म का नहीं करोड़ों करोड़ों जन्मों का है, और वो हमारे साथ लगा हुआ है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर तो बदल जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर हमारे साथ लगा हुआ है। मन, बुद्धि और अहंकार, इससे बना हुआ ये सूक्ष्म शरीर हमारे साथ चलता है, आत्मा के साथ चलता है। और जो जिस जन्म में भी रह करके हमने किसी भी वस्तु की इच्छा क्यों ना की हो, वो हमारे इच्छा उस अहंकार में विद्यमान होकर अगले जीवन में भी आ जाती है, और उसको प्राप्ति के लिए हम फिर धावित हो पाते हैं। तो यही क्रम चलता रहता है, और इससे कभी हम छूट नहीं पाते। लेकिन सद्गुरु परंपरा में ऐसे सद्गुरुदेव बड़ी कृपा करके हम लोगों के घरों घरों में जाकर के हम लोगों को चेताते हैं, उठाते हैं, जगाते हैं, जीव जागो गोरा चांद बोले, कब तक इस माया पिशाचनी की गोद में सोते रहोगे, कि अब तो जाग जाओ। इनका कोई स्वार्थ नहीं है, केवल और केवल दया है, हम सब जीवों पर दया, जिससे कि हम सब शुद्ध प्रेम को समझ सकें। जीवन जिसे कहा जाता है, हम इस संसार में सुनते हैं एक शब्द जीवन, जीवन का तात्पर्य क्या है? जीवन का मतलब जो जीवित है वह जीवन, लेकिन ये संसार में जीवन क्षण भंगुर की तरह है। जन्म हुआ, कुछ काल तक हम जीवित रहे, पुनः मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो ये वास्तविक सनातन जीवन नहीं है। सनातन जीवन प्राप्त करने के लिए अधिकार है इस जीव का, और सनातन जीवन कहाँ मिलेगा? वैकुंठ लोकों में मिलेगा, लेकिन हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? हम यहाँ ढूंढ रहे हैं कि ये डॉक्टर मेरी जान बचा लेगा, मैं जीवित रहूँगा, अमरता को प्राप्त होऊंगा, कभी नहीं। क्योंकि शरीर, ये शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, और ये पंच तत्व में ही विलीन होना है, और कुछ समय के लिए भगवान की करुणा की कृपा से ये मनुष्य तन मिला है अपने आप को जानने का, अपना संबंध पहचानने का, कि हमारा वैष्णवों से क्या संबंध है, हमारा ठाकुर जी से क्या संबंध है। तब तो हम इस सरलता रूपी प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे, और यदि आडंबर और अहंकार को लिए हम चलते रहे, ढोते रहे, तो ठीक है, दिखने में तिलकधारी भी हैं, दिखने में धोतीधारी भी हैं,
लेकिन हृदय में यदि कपटता है तो ठाकुर जी की भक्ति नहीं आएगी। इसलिए क्या करना है, भगवान की भक्ति के लिए एकदम संसार छोड़ना नहीं है, संसार की गतिविधियां जो कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति क्रिया को बढ़ाएं। उससे क्या होगा, भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ेगी तो संसार की गतिविधियां क्रमशः धीरे धीरे अपने आप शून्य की ओर चली जाएंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो हम कर्म के लिए दौड़ते हैं, बाद में ये कर्म हमसे हाथ जोड़ लेंगे, भाई तू हमारे काम का नहीं है, तू जा भक्ति कर, तो ये अवस्था एकदम नहीं आएगी, ये भक्ति करने से आएगी। तो एक बार बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जब भक्ति करते करते जब हम शुद्ध प्रेम की ओर बढ़ेंगे तो तब हमारा वैराग्य होगा, वो भी शुद्ध युक्त वैराग्य जिसे कहा गया। चार प्रकार के वैराग्य हैं, जैसा कि आप लोगों को शायद ना पता भी हो तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य क्या होता है, हम लोग जैसे हमारे परिवारजनों में या हमारे मित्र या कहीं आसपास के क्षेत्र में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग जाते हैं शमशान तक, और उस समय हमें उस काल की अवधि में ये अवगत होता है कि देखो ये मेरे साथ खेलता था, मेरे साथ सब जगह जाता था, आज मुझे छोड़ के चला गया। इसका मतलब क्या प्रमाणित हुआ कि सबको एक दिन ये शरीर त्यागना है और सबका इस शरीर का गंतव्य ये शमशान है। तो इस संसार में क्या रखा, इसका सार क्या, ये असार संसार है, इसमें कोई सार ही नहीं है, चाहे कोई कितनी मेहनत कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, वो शमशान तक जाता है। तो ये संसार में जितना भी भागम भाग है, मोह की प्राप्ति है, किसी काम की नहीं है, ये शमशान वैराग्य कहलाता है। थोड़ी देर के लिए जो सबको आता है उस समय, सब बड़े बड़े इस तरीके से बुद्धि लगाते हैं कि भाई ये जन्म मृत्यु का खेल है, संसार आवागमन का क्षेत्र है, लेकिन ये क्षणिक है, मतलब जब तक हम शमशान में या उस दुख में हैं तब तक ये शमशान वैराग्य होता है। और जब अगले दिन फिर से उठते हैं, नहाते धोते हैं, खाते पीते, धीरे धीरे सब भूल जाते हैं, कोई वैराग्य नहीं, फिर से अपना जो है मोह शुरू हो जाता, संसार का बंधन प्रारंभ। दूसरा है मर्कट वैराग्य। मर्कट वैराग्य मतलब बंदर की तरह। बंदर कैसा वैराग्य करता है, बंदर बिल्कुल देखो उसको कुछ नहीं चाहिए, ना वो धोती बांधता है, ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है उसको, ना कोई आश्रम बनाता है, पेड़ के ऊपर रहता है आराम से, बस जब तक वैराग्य है जब तक कोई वहाँ से जाता नहीं, और जैसे ही कोई वहाँ से फल्लू और टोकरा या कुछ लेकर जाता है, अब तो आपने देखा मोबाइल भी छीनने लगे बंदर, तो वो छीनता झपट्टा मारता है और जब तक आप उसकी पूर्ति नहीं करते तब तक आपको वापस देगा नहीं। तो आजकल ये मर्कट वैराग्य बहुत है, ढोंगी बाबाओं का जमाना है, हर कोई मर्कट वैराग्य करके अपना उल्लू सीधा कर रहा है और भगवान के चरणों में अपराध कर रहा है। तो इस मर्कट वैराग्य से भी हमें बचना है। तीसरा है शुष्क वैराग्य, इसको फल्गु वैराग्य भी बोलते हैं और शुष्क वैराग्य भी, दोनों है। शुष्क और फल्गु, फल्गु नदी आपने देखी हो सुनी हो, ये कहाँ है, बिहार में, जहाँ बिहार में है फल्गु नदी, वहाँ पर आपको नदी नज़र नहीं आई, गया में भी है, तो वहाँ पर आपको नदी नज़र नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा रेत को जब खोदेंगे एक हाथ दो हाथ तो उसमें जल प्रकट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फल्गु नदी। लेकिन इससे वैराग्य कैसे स्थापित हुआ, वो ऐसे बाहर से तो हम बड़े विरक्त नज़र आ रहे हैं और हृदय भरा पड़ा पूरे भोग करने की इच्छाओं से कि ये भी प्राप्त कर लूँ, वो भी प्राप्त कर लूँ, काम क्रोध लोभ मोह कूट कूट के भरा हुआ है, तो इसे कहते हैं फल्गु वैराग्य या शुष्क। शुष्क मतलब बाहर से, जैसे ज्ञानियों का हो जाता है, वो उनका हृदय बहुत कठोर हो जाता है, कठोर नहीं करना हृदय को, सरल करना है। तो तीन प्रकार के वैराग्य समझ में आए, क्या क्या फिर से बोलेंगे, पहला क्या था, शमशान, दूसरा मरकट, तीसरा फल्गु या शुष्क वैराग्य। अब चौथा जिसके लिए चेतना महाप्रभु हमारे शास्त्र हमारे गुरुवर्ग बताते हैं,
वो है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का मतलब ये है कि जितनी भी संसार की सामग्रियां हैं उनको हम अपने उपभोग के लिए ना ग्रहण करके भगवान की सेवा के लिए आप अगर ला रहे हैं तो वह भगवान की सेवा में लगा करके उसे प्रसाद रूप में यदि ग्रहण करते हैं तो धीरे धीरे आपकी संसार से विरक्ति हो जाएगी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति बन जाएगी। इसे कहा गया युक्त वैराग्य। अन्य जितने भी वैराग्य हैं वो ठगने वाले हैं और शुद्ध वैराग्य जिसे कहा गया वो युक्त वैराग्य है। तो कैसे प्राप्त होगा? वो एकमात्र निष्कपटता से हरि गुरु वैष्णव की सेवा से प्राप्त होगा और सुंदर मधुर कथाओं को श्रवण करके और भक्ति सिद्धांतों को अपने हृदयांगम करके हम इसे यदि करेंगे तो निश्चित तौर से हमारा युक्त वैराग्य होगा और हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो एक बार सब बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो वृंदावन जो प्राकट्य हुआ उसमें मुख्य किनकी भूमि रही? कलयुग में बहुत लोगों ने आक्रमण किए हमारे देश पर, उसमें मलेच्छों ने आक्रमण किए जिससे कि मंदिरों को तोड़ा गया और काफ़ी जो हमारे शिव विग्रह हैं उनको भक्तों ने ले जाकर कहीं दूर अन्यत्र जैसे राजस्थान में जयपुर में या फिर कौन सी जगह है वो सवाई माधोपुर जहाँ पर हैं मदन मोहन जी जहाँ हैं करौली में ऐसे ऐसे जाकर के वहाँ पर स्थापित किए। तो ये जो छह गोस्वामी हैं हमें जानना चाहिए कौन कौन है। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। तो उनमें से आज गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा जो शिव विग्रह प्रकट हैं, जब आक्रमण हुआ मलेच्छों का तो भी वो श्री राधा रमण जी वृंदावन को छोड़ करके नहीं गए। वो राजा हैं वृंदावन के, वो वहाँ पर विद्वान हैं अभी भी। उनकी छोटी सी 2-3 मिनट की कथा हम श्रवण करके फिर महाराज जी से हम कथा श्रवण करेंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हमेशा क्या करते थे? ये शालिग्राम जी उनके पास बहुत सारे थे, उनकी सेवा किया करते थे। और एक दिन उनका मन में ये भाव आया कि मैं इन शालिग्राम को इतने दिन सेवा कर रहा हूँ और अन्यत्र कहीं पर भी देखता हूँ तो कोई पोशाक बनाता है, कोई ठाकुर जी को लड्डू के भोग लगाता है, सुंदर सुंदर श्रृंगार करता है, मैं कर नहीं पाता हूँ। ये जैसे मन में भाव आया तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मन में भाव आ करके उन्होंने रात्रि में शयन कराया शालिग्राम जी को और रात्रि में ठाकुर जी ने स्वप्न दे दिया। कहा, हे गोपाल भट्ट, आप क्यों चिंता करते हो? तुम जिस प्रकार का भी श्रृंगार करना चाहो, जिस प्रकार की भी पोशाक बनानी चाहो, जिस प्रकार से भी मुझसे लाड़ लड़ाना चाहो तुम लड़ा सकते हो। मैं आपसे कैसे लड़ाऊँ? आपका तो शिव विग्रह नहीं, मेरे पास तो शालिग्राम है। तो उन्होंने कहा, हे गोपाल भट्ट, चिंता नहीं करो, मैं और शालिग्राम में कोई भेद नहीं है, मेरे अंदर और शालिग्राम में कोई भेद नहीं है। कल तुम देखना, जैसी भी तुम इच्छा चाहो वैसी मेरी सेवा करना, तुम पोशाक बनवाना, तुम सुंदर चंदन से श्रृंगार करना और सुंदर सुंदर आभूषण बनवाना, कल तुम्हारी जो इच्छा तुम्हारी जो अभिलाषा है वो पूर्ण होगी। तो ये सुन करके जैसे ही ठाकुर जी स्वप्न से अंदर ध्यान हुए एकदम से उनको नींद नहीं आई, रात्रि भर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहे। सोचने लगे इतना अद्भुत इतना चमत्कृत जो है स्वप्न मुझे ठाकुर जी ने प्रदान किया, वो क्या चाह रहे हैं? अभी तक उनके दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं आई कि शालिग्राम और गोपाल जी उन्होंने बता तो दिया एक हैं, लेकिन ठाकुर जी ऐसी क्या लीला करेंगे जिससे कि मैं उनकी सेवा सुंदर श्रृंगार सुंदर पोशाक इत्यादि से कर पाऊंगा, सुंदर आभूषणों से कर पाऊंगा। ये विचार करते करते पूरी रात्रि जो है हरिनाम करते रहे। सुबह सुबह उठ करके स्नान आदि किया, नित्य कर्म किए, उसके उपरांत जब ठाकुर जी का उन्होंने कपाट खोला
तो देख करके एकदम हतप्रभ हो गए, आश्चर्यचकित रह गए, आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, रोमांच उत्पन्न होने लगा, रोमावलिया खड़ी होने लगी। देखा सालिग्राम नहीं, साक्षात राधा रमण विद्यमान है। बोलो राधा रमण लाल की। और उसके उपरांत तो उन्होंने सुंदर तरीके से रोते रोते ठाकुर जी का अभिषेक किया है, और सुंदर सुंदर वहाँ की जो ब्रजवासी गण है उनको बुला बुला करके, उनका दर्शन करा करके आज्ञा प्रदान की है, कोई पोशाक बनाओ, कोई सेठ है तो आभूषण लाओ, कोई अच्छी रसोई बनाती है तो अच्छी रसोई बनाओ, इस तरह सबको सेवा में लगा दिया। ऐसे महान महान आचार्य हमारे गुरु परंपरा में हैं, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। ठीक है, तो अब हम महाराज श्री से सुनेंगे। धन्यवाद। वांछा कल चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री श्री भक्ति रामक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र भाई बहन सभी के चरणों में मेरे यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं आज अभी हमारे प्रभु जी बहुत अच्छी बता रहे थे, कथा बता रहे थे कि मनुष्य देह जो मिला है कैसे उसको सार्थक करना है, कैसे किस प्रकार के वैराग्य हैं। आवाज़ आ रही है? अच्छा, तेज अभी बोल। तो आज जो मेरा कथा का जो विषय है वो है आर्ट ऑफ बैगिंग, मतलब मांगने की कला। ठीक है, हम तो जगत में से मांगते रहते हैं लेकिन हमें मांगना भी नहीं आता, तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमें ठाकुर जी से गुरुदेव से कैसे मांगना है ना, मांगना भी, अगर मांगना है तो कैसे मांगना है, ये मांगना भी एक कला है। तो एक बार एक गाँव में एक बहुत बड़े सेठ ने क्या करा, एक भागवत कथा का उत्सव कराया, बहुत बड़ा उत्सव कराया, और उसने लाखों रुपए का एक पंडाल बनवाया, लाखों रुपए का बड़ा, उसके अंदर बड़े सुंदर सुंदर उसने फूलों से और बड़े अच्छे अच्छे जो भी उसको मिली लाइटिंग अच्छे अच्छे सब कुछ महंगे महंगे उसने सामान लगाया, लोगों के लिए व्यवस्था कराई, पंखा कूलर सब कुछ लगा के, और तो और इतना करने के बाद उसने पूरे गाँव का रोज़ भंडारा भी रखा, इतना खर्चा किया उसने उस व्यक्ति ने। और एक महाराज जी को वहाँ बुलाया, उनके जो गुरुदेव थे वो संत थे, उन्हें बुलाया और बहुत बड़ा आयोजन कराया, प्रोग्राम हुआ, कथा हुई, काफ़ी लोग जुड़े, बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता रहा। तो जिस दिन 6 दिन हो चुके थे, जिस दिन 7वां दिन था उससे एक दिन पहले वो सेठ गुरुदेव के पास आया और गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव सब कुछ ठीक है? गुरुदेव ने कहा सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। गुरुदेव बड़े प्रसन्न थे कि इतने इतने 5,000-6,000 लोग रोज आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम कर रहे हैं, तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न थे। तो गुरुदेव समझ गए कि ये व्यक्ति भी कुछ चाहता है, तो गुरुदेव ने पूछा, हाँ बोलो कुछ बात है तो बताओ। उन्होंने कहा, गुरुदेव एक बात है, मैं कुछ चाहता हूँ, मेरी कुछ इच्छा है, आप कृपा करें मुझ पर। तो गुरुदेव ने बोला, ठीक है बताओ क्या चाहिए। उन्होंने बोला, गुरुदेव कल आप ना कथा में ना अनाउंसमेंट कर देना कि लोगों को पता नहीं है कि मैंने कराई है कथा, अभी लोगों को पता नहीं है, तो कल मेरा नाम ले लेना कि धन्ना सेठ ने ये कथा कराई है और इतने लाख रुपए का पंडाल लगवाया है और इतना इतना भंडारा कराया है, तो कल आप थोड़ा बोल देना माइक में और मेरे को थोड़ा माला वाला पहना देना। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है। कह रहे, गुरुदेव इसलिए थोड़ा मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ना इस गाँव का प्रधान बनना है, तो मैं चाहता हूँ मेरा थोड़ा नाम हो यहाँ, तो इसलिए आप थोड़ा सा इतना काम कर देंगे। गुरुदेव ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा कर देंगे, और गुरुदेव थोड़ा देख लेना आप, और मेरे जो बच्चे हैं ना वो मैं चाहता हूँ वो थोड़ा विदेश में जाके पढ़ ले, वो उनका क्लियर नहीं हो रहा एग्ज़ाम, थोड़ा कृपा करना। गुरुदेव ने कहा ठीक है ये भी हो जाएगा, और कुछ?
गुरुदेव मेरी बेटी है उसकी शादी नहीं हो रही, मैं चाहता हूँ कि लखपति करोड़पति घर में शादी वादी हो जाए। गुरुदेव ने कहा ठीक है हो जाएगा, और कुछ? हाँ गुरुदेव एक चीज़ और, मैं चाहता हूँ गुरुदेव मुझे भक्ति मिले, भगवान की प्राप्ति हो। गुरुदेव ने कहा ये नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। अरे गुरुदेव कैसी बात करें, ये क्यों नहीं होगा, आप तो बोलो सब कुछ मिलेगा, ये क्यों नहीं मिलेगा? तो गुरुदेव ने कहा कि भैया मुझे एक चीज़ बात बताओ। गुरुदेव ने कथा सुनाई, उन्होंने कहा कि एक बार एक ट्रेन में एक सेठ बैठा हुआ था, तुम्हारी तरह सेठ बैठा हुआ था, और वो बैठा हुआ था, तभी एक छोटा सा बच्चा आया पानी बेचने, पानी ले लो पानी पानी, ट्रेन में आते ना, तो सेठ ने बुलाया छोटू इधर आ, ये कितने की पानी की बोतल? उसने कहा साहब ये 20 रुपये की है। तो सेठ ने कहा 10 रुपये में देगा? तो वो बच्चा हंसने लगा, बड़ा हंसा, हंसते हुए चला गया, कुछ नहीं बोला उसने कि नहीं सेठ मेरे को 20 रुपये की बोतल पड़ी है, या मैं मेहनत कर रहा हूँ, या 15 दे दो, कुछ नहीं बोला, हंसने लगा और चला गया। तो एक पड़ोस में आदमी बैठा हुआ था, उसने देखा एक बच्चा हंस के क्यों गया, उसके मन में बड़ी जिज्ञासा हुई। तो वो वैसे ट्रेन से जब बाथरूम की तरफ गया तो बाथरूम के बगल में ही वो गेट पे खड़ा था पानी बेचने वाला, तो वो व्यक्ति उसके पास गया, उसने उससे पूछा बच्चे इधर आओ एक बात बता, उस सेठ ने तुझे बोला कि मुझे पानी की बोतल 10 रुपये में दे दे, तूने दी नहीं या तूने कुछ बोला नहीं, हंसा क्यों तू? कह रहा साहब आपको पता नहीं सेठ को प्यास ही नहीं लगी है। सेठ को प्यास ही नहीं लगी? अरे तुझे कैसे पता, तू अंतर्यामी है क्या, तू ज्योतिष था क्या? कह रहा नहीं। कह रहा अगर सेठ को प्यास लगी होती ना तो मुझसे रेट नहीं पूछता, कहता है मेरी दला पानी ला, पानी पीता, फिर या पैक फिर पूछता कितने पैसे हुए, उसे प्यास ही नहीं लगी तो इसलिए उसने रेट पूछ के मुझसे मजे ले रहा है वो। तो क्या गुरुदेव ने कहा वास्तव में तू भी क्या कर रहा है, हमसे मजे ले रहा है, तुझे भक्ति नहीं चाहिए, तुझे भजन से भी मतलब नहीं, तुझे क्या चाहिए, नाम प्रतिष्ठा, और वही मिलेगी। तो भजन क्या मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो तुम्हारी इच्छा है ना वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, जो तुम चाह रहे हो वही मिलेगा। तो हमें ये सोच समझ के, ये हमें बड़ा सोच समझ के देखना चाहिए कि हम गुरु वैष्णव से क्या मांग रहे, भगवान से क्या मांग रहे, क्या हम उनसे मजे ले रहे हैं, अरे भगवान ये दे दो, नहीं। कहते ना बुद्ध श्लोक लिखा हुआ है ना, कह रहे नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, है ना, एक श्लोक है, इसमें क्या है, जो नाम क्या है, चिंतामणि है, भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो अभी हम नाम कर रहे हैं ना, जो हमारी इच्छा है ना वही मिलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, जो चाह रहे वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मांगना भी कला है। तो एक बार एक सेठ है, एक राजा था, बहुत बड़े नगर का राजा, वो उसका जन्मदिन था, जैसे हमारे कल चिराग गुरु जी का जन्मदिन था, तो बड़ा खुश था। तो उसने कहा आज मेरे को जो भी गांव में भिखारी मिलेगा ना उसे मैं खुश कर दूंगा, जो मांगेगा वही दे दूंगा मैं, है ना, जो जिसका जन्मदिन में बड़ा खुश होता है, जैसे हमारे चिराग प्रभु जी, तो उन्होंने कहा भंडारा, गुरुदेव ने कहा चिराग प्रभु जी कुछ करना, चिराग प्रभु जी ने कहा गुरुदेव भंडारा कर दो मेरी तरफ से, खुश है ना, जन्मदिन था बड़ा अच्छा उत्सव हुआ, भंडारा हुआ, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। तो वैसे उस राजा था, उसने कहा चलो भाई अपने साथ बहुत सारी सोने की मोहरें रखी और चल दिया। तभी एक भिखारी दौड़ता हुआ आया और राजा के चरण पकड़ लिए कि राजा राजा मुझे आपसे कुछ चाहिए। राजा ने कहा हाँ मैं क्या चाहिए बताओ। कह रहा नहीं राजा जो मैं मांगूंगा वही मुझे दोगे। राजा ने कहा ठीक है हाँ बता क्या चाहिए तुझे। कह रहा राजा मुझे एक चांदी का सिक्का चाहिए। राजा ने कहा एक चांदी का सिक्का? अरे मैं तो पूरे सोने की पोटली लेके घूम रहा था कोई मुझे मिले, ये कह रहा मुझे एक चांदी का सिक्का चाहिए। तो राजा ने कहा ले। राजा ने उछाला और वो चांदी का सिक्का क्या हुआ, उछल के पास में एक नाली भरी थी कीचड़, उसमें जाके गिर गया और भिखारी कूदा और ढूंढने लगा उस चांदी के सिक्के को। राजा को देख के उसमें बड़ी देर आ गई, अरे तो बहुत ज़्यादा गरीब है। उन्होंने उसे बुलाया इधर आ, इधर आ, तू ये ले चांदी का सिक्का छोड़, ये ले तू 2 सोने की मोहरे ले, खुश हो जा जा। तो उसने वो सोने की मोहरे ली, बड़ा खुश हुआ, फिर जाके दोबारा वो नाली में जाके उस सिक्के को ढूंढने लगा। ये राजा ने कहा इधर आ, उसको मत ढूंढ, चलो छोड़ गया गया, अब ये ले तू सोने के सिक्के की मोहरे ले ले, पूरा 100 सिक्के ले ले तू सोने के। वो भिखारी तो बड़ा खुश हो गया, 100 सोने के सिक्के। अब राजा जाने लगा तो राजा ने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो भिखारी दोबारा वो नाली में ढूंढ रहा है। फिर राजा ने कहा इधर आ भाई, ये क्या कर रहा है? अपने सिपाहियों को बुलाया, बोलो इधर आ, उसको बुलाया दोबारा कि भैया तुझे बता मैं तुझे एक काम कर रहा हूँ, तुझे मैं ना इस मेरा पूरा राज्य है मैं तुझे गांव दे देता हूँ, गांव के गांव, बता कौन सा गांव चाहिए? कह रहा साहब मुझे यही वाला गांव चाहिए, मुझे यही वाला गांव चाहिए। क्यों क्या करेगा? कह रहा मैं सिक्का ढूंढूंगा भाई, मैं सिक्का ढूंढूंगा।
राजा ने कहा सिपाही से दो थप्पड़ लगाए थे भगवान ऐसे भगवान ऐसे। तो देखो क्या है, वो क्या देना चाह रहा है राजा, लेकिन उसे क्या चाहिए, भाई नाली में पड़ा हुआ वो सिक्का ही चाहिए, वो देने को सब कुछ तैयार बैठे, लेकिन नहीं। फिर राजा आगे गया तो राजा का ऊपर का बटन टूट गया, ठीक है, राजा की बड़ी शाही ड्रेस होती है तो बटन थोड़ा टूट गया। अब राजा ने कहा भैया मैं ऐसे तो घूम नहीं सकता पूरे शहर में, क्या करूँ। तो उन्होंने कहा, एक सिपाही ने कहा कि हम पास में एक दर्जी है, उसको बुला लाता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है बुला लो। अब दर्जी को बुला लिया, दर्जी आया तो राजा ने कहा भैया मेरी ये ड्रेस का ये जो बटन है छोटा सा, इसको सील दो। ड्रेस दर्जी था, उसने कहा राजा है, उसने फटाफट सुई धागा निकाला और फटाफट राजा की बटन लगा दिया। और राजा ने पूछा हाँ भाई कितने पैसे हुए। तो जो वो था दर्जी, उसने कहा मैं बोलता हूँ एक चांदी का सिक्का। तो फिर उस मन में सोचने लगा कि राजा बोलेगा अच्छा तू तो थोड़े से लोगों के बटन सिलने के एक चांदी का सिक्का लेता है, है? जबकि तो उस समय तांबे के सिक्के चलते थे, जबकि एक तांबे के सिक्के में सारा काम हो जाता है। तो सोचने लगा कि अगर मैंने राजा को बोल दिया एक चांदी का सिक्का तो राजा क्या पता मुझे दंड दे दे, है? तो उसने कहा एक काम करता हूँ, उसने राजा को बोल दिया राजा आपकी जो इच्छा हो ना वो दे देना, आपकी जो इच्छा वो दे देना। अब राजा के ऊपर बात आ गई, अब किसके ऊपर बात आ गई, राजा के ऊपर। अब राजा भी सोचने लगा कि अगर मैंने इसे दो चार सिक्के दे दिए तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, कि राजा आया था राजा है, उसने दर्जी से काम कराया और क्या दिए, दो चार सिक्के सोने के सिक्के हैं राजा के। अब राजा के ऊपर बात आ गई, राजा ने कहा मंत्री को बोला इधर आओ, इसे वहाँ के दो तीन गांव दान में दे दो। तो दर्जी खुश, गांव मैं तो भैया एक चांदी का सिक्का मांग रहा था, राजा ने तो मुझे पूरा गांव का गांव दे दिया, बड़ा खुश हुआ। तो कहते हैं कि मांगना भी कला है ना। अभी देखो कुछ दिन पहले की बात है, अभी हम एक प्रोग्राम में गए थे, हम गुरुदेव के साथ किसी के घर में, माता जी मुझे यहाँ पर याद नहीं है, इधर की साइड हम तीन चार घरों में गए थे, तो वहाँ किसी ने हमें ड्राई फ्रूट दिए। तो हमारे सिद्धाम भैया हैं जो छोटे से मृदंग बजाते हैं, वो ड्राई फ्रूट बहुत पसंद है। तो गुरुदेव ने सबको दे रहे थे, लो 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 ड्राई फ्रूट लो सब लो। तो मैंने भी हाथ बढ़ा दिया तो गुरुदेव ने मेरे हाथ में दो तीन ड्राई फ्रूट रख दिए। अब सिद्धाम प्रभु जी से बोला कि लो, उन्होंने कहा नहीं, वो खड़े हो गए ऐसे नहीं। तो गुरुदेव ने पकड़ी मुट्ठी ड्राई फ्रूट की और उसकी जेब भर दी। ले मैंने कहा ये ठीक है भैया, फिर हमें दिखा रहे ये देखो। मैंने कहा भैया मांग रहे हमें एक दो मिले और उन्हें कुछ नहीं मांगा और सब कुछ मिल गया। तो वास्तव में ये क्या है, हमें क्या है ना गुरु वैष्णव में छोड़ देना है, ये मांगना भी कला है। जैसे कि एक छोटी सी बच्ची गई अपने माता पिता के साथ रिश्तेदारी में एक घर में गई, तो वहाँ क्या कर रहा था, टॉफ़ी रखी थी, बड़ा जार रखा था टॉफ़ियों का, बच्ची को टॉफ़ियाँ बड़ी पसंद थी। तो राजा ने उनके जो घर में थे मेहमान ने कहा बच्ची इधर आओ, ये लो टॉफ़ी लो, डब्बा उसके सामने रख दिया, ये लो टॉफ़ी ले लो। उसने ली नहीं, उन्होंने कहा अरे बेटा ले लो, उसने ली नहीं। उसके पिताजी ने बोला बेटा ले लो, तुम्हें तो टॉफ़ी बहुत पसंद है, ये कैंडी बड़ी पसंद है तुम्हें, ले लो। बच्ची ने ली नहीं। अब ली नहीं तो लास्ट में क्या करा, जो मेहमान जिनके घर में गए थे उन्होंने निकाली बहुत सारी टॉफियाँ और उसके हाथ में जेब में भर दी बहुत सारी, लो। अब वो चले गए घर। रास्ते में उसके माता पिता ने पूछा कि ये बता बेटी तुझे तो कैंडी इतनी पसंद थी, तूने ली क्यों नहीं, तेरे को तो बहुत पसंद है टॉफियाँ, क्यों नहीं ली। कह रही पापा पापा मेरे हाथ ना बड़े छोटे हैं, मैं निकालती ना तो दो तीन ही आती हैं, अंकल जी के हाथ बड़े 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 थे, उन्होंने निकाली तो मेरी जेबें भर गई है। तो देखो हमें क्या करना है, वास्तव में मांगना क्या है, मांगना भी कला है। कि कैसे सब कुछ गुरु वैष्णव में छोड़ दो कि भैया जो मेरे लिए उचित हो, जो आपको देना हो वही ठीक है। ठीक है, हम अपना प्रयास करेंगे, नहीं मुझे ये दे दो ये दे दो ये दे दो तो कुछ हाथ आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये बोल के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वंशा करके ओम अज्ञान्त मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पढ़ूँ। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतभक्ति विदान श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्यलीला परमेश्वर विष्णुपाद अष्टोत्तर शतभक्ति विदान श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत अर्पण करता हूँ। सब लोग ठीक हो, चॉकलेट लाई
रही थी ना चॉकलेट ले आना। मेरे को एक बात याद आ गई, अभी प्रभु जी कथा सुना रहे थे। एक बार हम लोग ना नोएडा में, मैं गुरुदेव महाराज जी के साथ था, तो नोएडा में जैसे हम लोग जा रहे थे तो कथा कही। अब हम उस दिन क्या हुआ, बहुत हाउस प्रोग्राम्स हुए, तो हम लोग एक माता जी के यहाँ पे गए, कहाँ उड़िया माता जी थी वो, तो उनके यहाँ पे गए। तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ नवरात्रि चल रहे थे, अब नवरात्रि चल रहे थे तो महाराज जी जहाँ पे भी ले जाते तो महाराज जी कहते कि चिराग कथा कहो, तो मैं उसी के माहौल के अनुकूल, भगवत कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, उसी के माहौल के अकॉर्डिंग कथा कहता। अब वहाँ पे नवरात्र चल रहे थे तो मैंने भगवती की महिमा श्री राधा से, मतलब राधा तापनी उपनिषद से भगवती की महिमा कही, नव दुर्गा की महिमा। अब मैं इतना बोला, बोलते बोलते उसके बाद प्रसाद पाए और आ गए। अब लास्ट में जब प्रणामी लेने की बारी आई तो श्रीकांत और श्रीराम प्रभु ने तो कुछ बोला ही नहीं, बस इनका लाल कपड़ा था और इन्होंने कुछ नहीं बोला। और आखिरी में जब प्रणामी मिली तो मुझे मिले 500 को 2000 रुपए मिल गए। मैंने चुपचाप पूछा गुरुदेव से कि एक बार बताओ गुरुदेव, मैंने इतना बोला, शुरू से आखिर तक बोले गया, मुझे केवल 500, इन लोगों ने कुछ बोला ही नहीं, तो इनको 2000 रुपए बोले, तुम लाल कपड़ा ले लो, तुम्हें भी मिल जाए। इस कारण से मेरे को एकदम से बात याद आ गई, तो मैंने कहा यार ये बढ़िया काम है। इस कारण से तो सफेद तो हो जाऊं पहले। तो इस कारण से हम लोग का श्री रूप शिक्षा चल रही थी, तो उसके आगे के प्यार शुरू करते हैं हम लोग। एक ही प्यार बोलूंगा, वैसे तो आज सारे प्यार के अनुकूल ही प्रभु जी ने भी कथा कही और पूज्य श्री नवीन प्रभु जी ने भी कथा कही, सब इस प्यार के अनुकूल ही कही। इसमें लिखा है कि जो वो भक्ति लता बीज है, जब वो श्री कृष्ण प्रेम की जो लता है, श्री भगवान के दिव्य नाम की जब लता उदय होती है, तो उसके बाद लिखा है किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा जत असंख्य तार लेखा। मतलब यदि लता के साथ भुक्ति मुक्ति इत्यादि वांछा, ये सब कुटी नाटी जीव हिंसा लाभ पूजा प्रतिष्ठाएं की उपशाखा उग जाती है, तो इसमें लिखा है कि जब ये सारी की सारी उपशाखाएं, ये सब निंदा, ये सब चीजें की ये सब उपशाखा, देखिए हमारे श्री भाष्य इत्यादि समस्त जो भाष्य है उसमें सबसे महत्वपूर्ण किसी चीज को बताया है तो किस चीज को बताया है? अच्छा, हम लोग एक दूसरे के भावों को एक दूसरे तक किस प्रकार से पहुंचाते हैं? भाषा से ही तो पहुंचाते हैं, और कोई साधन नहीं है, वोकैबुलरी से ही तो पहुंचाते हैं। भाषा यस्या कृष्ण देहोपि गौरो, भाषा से पहुंचाते हैं, इसलिए भाषा वृत्तये, भाषा से पहुंचाते हैं। शब्द मुखे पौरुषम नृषो, शब्दों से पहुंचाते हैं। देखिए शब्द ऐसे हैं जो जीव की गति को उत्कृष्टोत्कृष्ट कर देते हैं, यही बात कह रहे हैं, जीव की गति को उत्कृष्टोत्कृष्ट ले जाते हैं। और शब्द ऐसे होते हैं जो दो कौड़ी का बना करके नीचे ले जाते हैं, सिर्फ शब्द, शब्दों का ही सारी जगह हेर फेर है। वो ही मुख से मिश्रित शब्द जब श्री भगवान के गुणगण को मुख से उदय करा देते हैं तो वैष्णव बना देते हैं, और वो ही मुख से शब्द जब निंदा इत्यादियों को प्रकट करा देते हैं तो वही अवैष्णव बना देते हैं। इसलिए भाषा का बहुत उत्कृष्ट संबंध है। केवल शब्द ऐसे हैं, शब्द से शब्द की ही गति जाती है, इसीलिए श्रीमद् भागवत जी का भी दर्शन करते हैं हम लोग तो उसमें कृष्ण को शब्द से दर्शन करते हैं। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुरीयौ कथितो यतुरु नाभिस्तथा पंचम येन षष्ठौ भुञ्जावतं तौ युगल तथान्यौ कंठस्थु राजन नवमू यदीयौ मुखारविन्दम दशम प्रफुल्लम एकादशम यस्य ललाट पट्टकम शिरोपि यद्वादश एव भाति। देखो हम लोग कोई भी गति कर रहे हैं, भगवान क्या है, इसमें ये साफ लिखा है भुक्ति मुक्ति वांछा जत असंख्य तार लेखा। भगवान क्या ग्रहण करते हैं,
पदार्थों को ग्रहण करते हैं, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, भाव ग्राही जनार्दन। लोग ये भूल जाते हैं कि भगवान ने दुर्योधन की मेवा को त्याग दिया और भगवान विदुर के घर का पा रहे हैं। लेकिन यद्यपि विदुर के यहाँ भी बहुत 56 प्रकार के पकवान बने थे जो श्री भगवान के लिए उपयुक्त थे, लेकिन भगवान ने उसको तिरस्कृत करके और विदुर जी के यहाँ पे पाया। क्या कारण है? भाव का कारण है। क्यों? क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन। इस कारण से जैसे कोई व्यक्ति भोजन बनाता है, कोई व्यक्ति भोजन बना रहा है, मतलब भोजन बना रहा है, पकवान बना रहा है, इत्यादि सहस्त्र प्रकार के पकवान बना रहा है, परंतु जब उसमें वासना का आवेश आ जाता है तो वह दूषित बन जाता है, निंदा का आवेश आ जाता है तो वह दूषित बन जाता है, पर चर्चा का विशेष उसमें उसके अंदर ऐसा। एक बार हमारे गुरु महाराज जी बोल रहे थे, बड़े गुरु महाराज जी, मुझे बात भक्ति विद्या श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी ने कहा था कि एक व्यक्ति है, एक सभा जुड़ी, उसके अंदर सब लोगों ने कहा कि आज तो बहुत सुंदर खीर बनाई जाए, तो सब लोग अपनी अपनी तरफ से कुछ कुछ लेकर के आए। कोई व्यक्ति आया बोला मैं तो दूध लाया हूं, तो कहा कि डाल दे इसमें। कोई आया मैं बोला चावल, बोला चावल बना करके चावल लाया हूं, डाल दे इसमें। कोई आया बोला काजू लेकर के आया, बोले डाल दे इसमें। कोई आया बोला सुंदर केसर, कश्मीर का सुंदर केसर लेकर के आया, बोले डाल दे इसमें। कोई आया बोले ये इस प्रकार की मेवा लेकर के आया, चिरौंजी लेकर के किशमिश, बोले डाल दे इसमें। कोई व्यक्ति आया बोला नींबू लेकर के आया, तो बोले डाल दे उसमें, तो वो फट जाए। यही बात है। आप हम लोग करते तो हैं, परंतु यदि वो करते समय वो कार्य करते समय यदि मन के अंदर ये सब ये जो ये लिख रखा है कुटीनाटी इत्यादि ये सब आवेश आ जाता है, तो वो वही दूध के अंदर नींबू का काम कर देता है। फिर तो क्या है, फिर तो पनीर ही निकलेगा, और क्या निकलेगा? जो उद्देश्य रहा वो तो हुआ नहीं, खीर तो बनी नहीं। ऐसे ही जिस प्रकार से श्री भगवान को भोग लगाया जाता है, जिस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा लगाई जाती है, केवल यदि वह काम के कि बस हो गया, पूरा करना है किसी भी प्रकार से, यदि वही गतिविधि रही तो शून्य हो जाएगा। वही प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद बनाते बनाते पर निंदा करते करते जिसका मुख अघाता नहीं है, पर निंदा करते करते जिसका मुख नहीं अघा रहा है, वो दिव्य प्रसाद श्री भगवान के आरोगने योग्य है? अरे वही श्री भगवान के सामने वो सुंदर थाली जब जाएगी तो श्री भगवान भी क्या सोचेंगे, क्योंकि श्री भगवान का वो दिव्य प्रसाद श्री भगवान राधा रानी के मुख में डालेंगे। नित राधा जू के अधर पवाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, नित राधा जू के अधर पवाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। इस कारण से कहने को तो सेवा है, परंतु श्री भगवान देखते भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है। किंतु यदि लता के साथ भुक्ति मुक्ति वांछा इत्यादि है, जीव हिंसा है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि है, ये सब यदि उग जाती है, तो लिखा है कि वो भक्ति लता जो दिव्य पोषित होती है, वह सूक्ष्म वो जो लता है वो शुष्क बन जाती है। यही रूप गोस्वामी पाद को श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं। कुटिलता पूर्वक नाटक, कपटता इत्यादि, आत्मप्रसाद का विरोध अथवा असंतोष इत्यादि। इसमें अभी जो ये प्रभु जी ने जो श्री राधारमण जी का जो सब बताया है, राधारमण जी में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी पहले, सबसे पहले जब शालिग्राम जी उनके पास थे, तो मानसिक जैसे मानसिक मुकुट बनाया, मानसिक वस्त्रावर्तित किया, मानसिक कुंडल इत्यादियों को पहले मानसिक धारण कराया, उसके बाद जब पुष्ट हुए, उसके बाद मन किया कि ऐसे दिव्य श्री भगवान की प्राप्ति हो जाए जिसको मैं यह संक्षेप और प्रत्यक्ष करा सकूं, तब द्वादशांगुल महाभाव के साथ द्वादशांगुल श्री राधारमण जी प्रकट हुए। यही कारण है, इसीलिए यहाँ पे इसीलिए भाव की पुष्टि है। और यहाँ पे आगे लिखा है पूजा और प्रतिष्ठा, पूजा इत्यादि जिसको प्रतिष्ठा की कामना है, जिसको पूजा की कामना है, उससे यह भक्ति लता भी, भक्ति जो लता है वह सूक्ष्म हो जाती है,
शुष्क हो जाती हैं, सूख जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं। देखिए श्री जीव गोस्वामी पाद ने इतना सुंदर पूतना चरित्र में कहा है, पूतना चरित्र जो है, पूतना का जो ये सब पूतना की लीला ना श्रवण करने योग्य है। पूतना के लिए पूतना प्रसंग जो है उसमें जीव गोस्वामी पाद ने कहा है, जब पूतना आई है भगवान के सामने, ताम केश बंदर अति सत्त मल्लिकाम विवरचनीना, ताम केश बंदर अति सत्त मल्लिकाम बृहदत् मदकच्छ मध्यमाम सुभाषितम भूषण करण योषित त्यसुल्लसत कुंडल मंदितानाम वलगुस्मिता पांग विसर्ज विक्षितई मनोहरिंतिम ब्रनका बज बनका ब्रजऊ कसाम। जब दिव्य अलंकार को धारण करके पूतना प्रस्तुत हुई तो उसने एक बार श्री कृष्ण को देखा। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं कि श्री भगवान के मनोरम स्वरूप को जब पूतना ने देखा तो पूतना भूल गई कि उसके स्तनों में जहर है, और जब उस वो पूतना वो भूल गई कि उसके स्तनों में जहर है तो बड़े ही सुंदर तरीके से पूतना ने उनको उठाया और भगवान ने और अपना निज कंचुकी को ऊपर करके निज स्तन भगवान श्याम सुंदर के मुखाम भोज में प्रस्तुत किया। वो माँ जीव गोस्वामी पाद लिख रहे केवल ये एक भाव, श्री भगवान को देख करके केवल ये एक भाव की पूतना की पुष्टि हो गई। तब भगवान ने पहले उसके दूध को पीने का सुख उसको प्रदान किया। जब भगवान दूध पी रहे थे तो इतना सुख पूतना को हो रहा था, दूध पीने में पिलाने में इतना सुख हो रहा था कि भगवान आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान रीझ कर को भगवान को रिझा रिझा के वह मुग्ध हो रही थी। इसलिए यहाँ भाव की बात की गई है। यदि पूतना ऐसी विषधारिणी पूतना, ऐसी कंसेन प्रेषित घोरा पूतना, बालघातिनी जब वो चली तो उसके मन में कितनी कपटता थी, लेकिन एक वंशी विभूषित भगवान को देख करके कैसे भावोन्मत्त हो गए। ऐसे ही नित्य प्रति श्री भगवान के दर्शन करते करते भी जिसके भाव जिसका भाव पुष्ट नहीं हुआ, श्री भगवान उसके द्वारा पाए हुए पदार्थ को कैसे बनाए हुए पदार्थ को कैसे धारण करेंगे, कैसे ग्रहण करेंगे। इसलिए आप लोग जो भी श्री भगवान के लिए करें, जो भी आप भगवान के लिए करें, बस ऐसे करें कि साक्षात ठाकुर जी इसको आरोगेंगे और श्री ठाकुर जी के आरोगने योग्य होगा। तब आप चिंता मत कीजिए, गुरुदेव के समस्त सत्संग की सारभूत सृष्टि एकत्रित हो जाएगी और श्री भगवान राधा रानी के साथ पाने के लिए विवश हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वांछा कर पतन वृष्टि कृपा सिंधु देवच पतिता नाम पावन एभ्यो वैष्णव एभ्यो नमो राधा रमण जी का आज प्राकट्य तिथि है, आप लोगों ने श्रवण किया। कहते जो श्री राधा रमण जी हमारी गौड़ीय वैष्णव में विशेष करके तीन ठाकुर मूल है, कहते एक गोविंद, एक गोपीनाथ और एक मदन मोहन। कहते अगर ये तीनों ठाकुर को एक सूर्यास्त में जो दर्शन कर लेना, उसको साक्षात ठाकुर का दर्शन करने का फल मिलता है। इतने महिमा ये तीन ठाकुर दर्शन करने का, क्योंकि जब श्री बज्रनाभ हैं, कहते श्री बज्रनाभ जो अपना दादी से कृष्ण कथा को उन्होंने श्रवण की, सुन सुन करके इतने रीझ रहे थे, बोले मेरे दादा इतने सुंदर थे, मेरे परदादा इतना सुंदर थे। तब उन्होंने देखने के लिए जब इच्छा प्रकट की, तब श्री उत्तरा ने ये सब मूर्ति बनाए, बोले ऐसे एक कृष्ण मूर्ति बनाओ। जितने कलाकार थे सारे कला लगा दिया मूर्ति बनाने में। जब मूर्ति कम्प्लीट ही हो गया, बोले देखो आपने जैसे बताया मैंने वैसे बनाया, ठीक बना कि नहीं? बोले नहीं, ये विग्रह में तो कृष्ण का केवल मुखार बिंद आया। बोले और एक मूर्ति बना, फिर मूर्ति बनाई। जब कम्प्लीट हो गया, बोले इसमें आया कि नहीं? बोले नहीं, इसमें केवल मुख्य स्थल आया, उसका नाम रख दिया गोपीनाथ। बोले और एक मूर्ति बनाया, बोले ये हुआ कि नहीं? बोले इसके केवल ठाकुर का चरण आया, केवल ठाकुर का चरण आया, उनका नाम रख दिया गोपीनाथ, है जो मुख है वो गोविंद देव। इसलिए कहते ये जो तीनों ठाकुर को अगर एक सूर्यास्त में कोई देखेगा, कहते उनको कृष्ण दर्शन करने का फल मिल जाएगा। आप लोगों ने देखे हो एक सूर्यास्त में? हाँ, ये अकेले देखे, तुम कहाँ देखे? जयपुर में तीन ठाकुर देखा? इसलिए आप लोगों ने देखा नहीं। इसलिए दो ठाकुर तो जयपुर में है, लेकिन एक ठाकुर करौली में है। इसलिए इनको तीनों को एक सूर्यास्त में देखना पड़ेगा। लेकिन
कहते तीनों ठाकुर दर्शन करने से जो फल मिलेगा केवल श्री राधा रमन को जो दर्शन कर ले, कहते राधा रमन को अंदर में ये तीनों ठाकुर का जो स्वरूप है श्री राधा रमन को अंदर में विद्यमान है। जो केवल श्री राधा रमन को दर्शन कर लेगा उसको ये तीनों ठाकुर दर्शन करने का फल मिल जाएगा। कहते जितने सारे ठाकुर है उनको मिस्त्रियों ने बनाया, लेकिन ये राधा रमन को किसने नहीं बनाया ठाकुर जी को, ये राधा रमन स्वयं प्रकट हो गए, सालग्राम से ही ये ठाकुर जी प्रकट हो गए। इसलिए अगर ये ठाकुर को देखोगे ना, जैसे शास्त्र में बताया कृष्ण जैसे तीन जगह से टेढ़े हैं, आप देखा ना ये ठाकुर ठीक तीन जगह से टेढ़े हैं। जैसे छोटे बच्चों का दांत होता है, देखना ये ठाकुर का दो दांत बाहर निकला हुआ है, देखो दो दांत निकला हुआ है ठाकुर जी को। उनको बक्षस्थल जैसे बताया एकदम चौड़ी, एकदम उनका चौड़ी बक्षस्थल। कमर देखोगे शेर का जैसे कमर छोटे पतली है, हैं? इसलिए जैसे जैसे बताया ये ठाकुर में ये तीनों ठाकुर का समावेश राधा रमण में प्रकटित हुआ है। इसलिए सारे ठाकुर तो वृंदावन से चले गए, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन तीनों चले गए, लेकिन ये गए नहीं। बोले क्यों? कृष्ण खुद कहते हैं बोले वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, मैं वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी वृंदावन बाहर कहीं प्यार नहीं रखता, कृष्ण कहीं नहीं जाते। इसलिए ये तीनों ठाकुर तो चले गए, क्योंकि मुसलमान का आक्रमण औरंगजेब ने आक्रमण किया, तीनों ठाकुर चले गए। क्या भगवान को क्या मुसलमान से डर है? क्या मुसलमान लोग भगवान से ज़्यादा प्रतापी हो गए, बलवान हो गए जो ठाकुर जी भाग गए? बोले नहीं। क्या जिस ठाकुर तभी चली जाते हैं, देखो ध्यान देखो सुनो, जिस समय भक्त भगवान की अगर सेवा ठीक ठीक से नहीं करता है, अगर कोई व्यक्ति ठाकुर को सेवा ठीक ठीक से नहीं करते ना, फिर ठाकुर वहाँ छोड़ कर भाग जाते हैं, बहाना बना देते। आप लोग कभी जयपुर जाओगे देखोगे, जब सवेरे मंगलारती में कभी जा कर देखना, सवेरे चार साढ़े चार बजे होती, ठंडा समय भी होता है, इतने कड़क ठंडा पता है कैसे ठंडा समय में, तब भी जा कर हजार हजार लोग मंगलारती में खड़े होते, एक एक झांकी में बंद हो जाता है। फिर ठाकुर जी को स्नान आरती श्रृंगारती एक एक आरती में हजार हजार लोगों को आप दर्शन करोगे, हजार हजार लोग गोविंद देव को दर्शन करते हुए। गोविंद देव देखे हो? कौन कौन देखे हो? कोई भी नहीं देखे। आप लोग एक बार ले जाएंगे, सब ले जाएंगे आप लोग को, चिंता। इसलिए ये ठाकुर के दर्शन करने से ठाकुर का मुख कमल दर्शन होता है। इसलिए कहते इसलिए ये ठाकुर जी का नाम रख दिया राधा रमन। राधा रमन मतलब क्या? कहते इनकी एक विग्रह में ही राधा रानी भी है और एक विग्रह में कृष्ण है। अब दूसरे दूसरे मंदिर प्रभु जी कहाँ जा रहे हो? बैठो, हरे कृष्णा, दो मिनट में खत्म हो जाएगा, बैठो। इसलिए अगर आप लोग देखोगे और जितने जितने मंदिर देखोगे ना राधा रानी इनको देखोगे, लेकिन यहाँ पर राधा रानी मुकुट रूप में ठाकुर राधा रानी का पूजा होती है, मुकुट रूप में। कारण है इनका नाम ही राधा रमन है, जो राधा जी को साथ में ही जो रमण करते हैं, इसलिए इनका नाम राधा रमण है, हैं? इसलिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ये ठाकुर प्रकट क्यों हुए? एक कारण तो आप लोगों ने सुना है, जब कोई सेठ था मंदिर मंदिर में कपड़े देकर गए, झूला रहे हैं ठाकुर जी को, सब संत लोग झूलाएंगे, इनको भी देकर गए, लेकिन इनको पास में तो सालग्राम है। अभी सोच रहे भैया सालग्राम को मैं किसे श्रृंगार करूँ, हैं? इसलिए ठाकुर जी प्रकट हो गए सुंदर रूप में, ये कारण है। दूसरा कारण है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो महाप्रभु जब गए थे दक्षिण में, 11 साल उम्र था, इन्होंने बड़ी महाप्रभु से सेवा की, लेकिन उसको बाद में महाप्रभु जब चले आए फिर महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ। इसलिए दिन रात महाप्रभु का विरह में रोया करते थे, महाप्रभु का विरह में रोते थे। इनके विरह को देख करके ये जो सालग्राम था ये साक्षात रूप में श्री राधा रमण ठाकुर रूप में प्रकट हो गया। इसलिए जब जब ये राधा रमण को दर्शन करते थे इनको श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन उसमें होता था। इसलिए महाप्रभु कौन है? कहते राधा भाव दूती सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूप। महाप्रभु कौन है? बोले अंत कृष्ण और बहिर्गर, अंदर में राधा रानी और बाहर में गौरव है। इसलिए मानो राधा रानी कृष्ण का इसे आलिंगन करके रखी है, कृष्ण अंदर में और राधा रानी ऊपर में, राधा रानी है। बोले आलिंगन करके क्यों रखी? बोले कारण है कृष्ण इसलिए आए, राधा रानी कैसे मेरे प्रेम का आस्वादन करते हैं,
इसलिए राधा रानी सोच रही हैं कृष्ण का शरीर कितने कोमल है, उनका चरणों को हम अपना बख्य स्थल में भी धारण करने के लिए हमको कष्ट लगता है, इतने कृष्ण का चरण कोमल है। लेकिन जब मैं जैसे कृष्ण प्रेम में पछाड़ खा कर गिरती हूँ, जब ये महाप्रभु गिरेंगे कितने कोमल होगा, कितना कष्ट होगा। इसलिए मैं कृष्ण को मैं इसे आलिंगन कर लेती हूँ। जब कृष्ण गिरेंगे अगर कष्ट आएगा ना कृष्ण को शरीर में, नहीं किसको शरीर में, मेरे शरीर में आएगा। इसलिए राधा रानी क्या करती, कृष्ण को उन्होंने ऐसे आलिंगन करके रखे। इसलिए जो राधा रमन जो विग्रह है ये श्री महाप्रभु का विरह में ही ये प्रकटित हुआ है, इसलिए ये विग्रह का विशेष महत्व है। इसलिए इनको जिसने प्रकट किया श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनकी बहुत बहुत कथा है, हम बाद में कभी सुनेंगे इनकी और प्यारी प्यारी कथा। कैसे पहले ये रामानुज संप्रदाय में थे, कैसे महाप्रभु का संग से कैसे उन्होंने बदल करके उन्होंने सबके सब महाप्रभु धारा में आए। पहले ये लक्ष्मी नारायण को पूजा करते थे इनका परिवार के लोग, लेकिन श्री महाप्रभु का कृपा से ही ये सब के सब परिवर्तन होकर के श्री चैतन्य महाप्रभु धारा में आ गई और सबके सब महाप्रभु के अनुयायी बन गए। इसलिए कद अधिकंतु न दोषाय, मतलब है अगर हम कोई नीचे किसी उपासक में हो, अगर हमें कोई श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त होता है अगर उसको करे तो उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई। इसलिए लक्ष्मी नारायण को पूजा करते थे, ये तो ऐश्वर्य मार्ग है, लेकिन कृष्ण भक्ति माधुर्य मार्ग होता है। इसलिए महाप्रभु ऐसे ऐसे कथा सुनाए, राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में ऐसे उन्होंने अद्भुत उन्होंने कथा सुनाए, जिस कथा रूपी गंगा में श्री गोपाल श्री वेंकट भट्ट इनका जो पिताजी थे एकदम सरावर हो गए और राधा कृष्ण की माधुर्य में आकृष्ट होकर के ये सब के सब गौड़ीय वैष्णव में, और इनको जो चाचा थे प्रबोधानंद सरस्वती जिन्होंने राधा रस सुधा रूपी ग्रंथ को रचना उन्होंने किए, इसलिए उनका पूरा के पूरा परिवार सबके सब महाप्रभु धारा में अभिषिक्त हो गए। आज इनका तिथि है, आज गोपाल भट्ट गोस्वामी हम सबको पर कृपा करें, आशीर्वाद करें, हमें भगवत भक्ति हो राधा कृष्ण के चरण में और महाप्रभु का चरण में हमारी प्रेम बढ़ते रहे। बोले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की, बोले श्री राधा रमन लाल की, पिता गौर प्रेमानंद हरि हरि। देखो कल जो एकादशी है ना, कल कौन सा एकादशी है, कौन सा एकादशी, पक्ष वर्धनी, और एकादशी का नाम क्या है, जोगिनी एकादशी। कल हम आप लोग कल जो एकादशी का विशेष महत्व, क्योंकि जब एकादशी द्वादश में जुड़ जाती है उसका और ज़्यादा महत्व हो जाता है, द्वादश में जुड़ने पर। इसलिए कहीं कहीं एकादशी एक होता है देखना, लेकिन कहीं कहीं देखना कहते दो हो जाती है, जो दो हो जाती नियम है दूसरे दिन में जो एकादशी जुड़ करके होती है द्वादशी युक्त जो एकादशी विशेष महत्व। इसलिए कल का जो एकादशी का विशेष महत्व, कल हम लोग एकादशी आप लोग सब जरूर करना, कल हम एकादशी की कथा सुनेंगे, कल एकादशी का क्या महत्व है, ठीक है। बोले श्री एकादशी की, ग्लास अंदर में नहीं है, अंदर में ग्लास नहीं है, होगा अंदर में ग्लास था देव उसमें दे। हरे कृष्णा। हाँ आप लोग सबके सब चिराग ने शरबत बनाया आपके लिए, हम शरबत कौन सा, हाँ स्पेशल शरबत बनाया आप लोग, ठीक है। हाँ ये प्रभु जी बोल रहे, ग्लास प्रभु जी है नहीं ना, ग्लास खत्म हो गया, हाँ उसको अंदर में है ना, हाँ है ग्लास है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare।
कल तैयार कर गया छोटी 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 चीज़ें करते हैं और तुम लंबा नहीं छोटी Thank you.